हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, जीरो डेट फ्री कंपनी बताऊंगा। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। 5 साल में इस कंपनी का जो भाई प्राइस हो जाएगा, शेयर का जो दाम हो जाएगा, वो 6000 का भी हो सकता है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी में आप मंथली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम में पैसा लगा सकते हो। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू जेल देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छे, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो भैया आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी स्टॉक में डायरेक्ट पैसा लगा देते हो और वो कंपनी भाई गंदी होगी तो आपका पैसा डूबेगा ही। म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा भाई रिटर्न मिलता है, 12-15% का रिटर्न मिल ही जाता है मल्टी कैप में। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 983.38 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1504.16 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 983 से 1504 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 990.84 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1517.70 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, 990 से 1517 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 822.17 था मार्च 15 में, 822.17 था, और मार्च 19 में देख लो 1359.94 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 822 से 1359 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार ईयर टू ईयर वाइज, मार्च 15 में जो एबिटा था वो 829.63 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1373.48 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 829 से 1373 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देते हो भाई तो आपका पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में। तो खरीदिएगा, नंबर वन कंपनी है, जीरो डेट फ्री कंपनी है, इसी टाइप के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में आप पैसा लगा के लॉन्ग टर्म में करोड़पति अरबपति बन सकते हो, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज, मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 814.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1326.80 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 814 से
1326 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पैट था वो 814.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1326.80 चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 8.15 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 13.27 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज, 8 से 12 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। जीरो डेट फ्री कंपनी है, खरीद के रख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। SBI लाइफ का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इस कंपनी का भाई जो ऑनर है वो SBI बैंक है। ये ऐसी कंपनी है भाई जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा सेफ रहेगा, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी का रिजल्ट भी खराब आएगा ना तो भी ये स्टॉक रिटर्न बना के देगा। सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, SBI बैंक इसका ऑनर है, तो भैया इस कंपनी में कुछ भी नहीं होगा, खरीद के रख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 70-80% 50% तक रिटर्न बना के दे सकता है। तो खरीदिए, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाइए, जीरो डेट फ्री कंपनी है। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाते ही नहीं हो जिसकी वजह से आपका पैसा बन नहीं पाता है। एक एक शेयर खेते जाइए महीना में, क्या दिक्कत है। इस कंपनी में मैं भी पैसा लगा के रखा हूँ, मुझे तो IPO मिला था, और भी मैं पैसा लगाया हूँ, 20-30 हज़ार रुपया और भी मैं लगाया हूँ। हालांकि मेरा ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ICICI लोमार्ड में, क्योंकि उस कंपनी का मैं लगातार शेयर खरीद रहा हूँ। सभी कंपनी का भाई शेयर मैं नहीं खरीद सकता। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ भाई, मैं कौन कौन सी कंपनी में SIP कर रहा हूँ। IGL में SIP कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस में SIP कर रहा हूँ, ICICI लोमार्ड में SIP कर रहा हूँ, HDFC AMC में भी मैं SIP कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इन कंपनियों में SIP कीजिए, क्वालिटी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में। कोशिश कीजिए भाई क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का, आलतू फालतू कंपनी में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। और ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए ना जिसमें आपको कंपाउंडिंग में रिटर्न मिले। SBI लाइफ का मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, बहुत सारे भाई प्रोडक्ट हैं, एक एक करके बताना संभव नहीं है। वेल्थ क्रिएशन विथ इंश्योरेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ई वेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, स्मार्ट पावर इंश्योरेंस, स्मार्ट ई लाइट, स्मार्ट प्रिविलेज, और भी कई सारे भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अब तक किस टाइप रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो सितंबर 2017 में आया था, 700 रुपये के प्राइस पे आया था भाई। मेरे को भी अलॉटमेंट मिला था, अभी भी मेरे पास शेयर हैं। तो देखो 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 1 ईयर टर्न है वो 70.55% है, सेंसो का टर्न है 15.16% का टर्न है, ईयर टू डेट में 62.73% है, सेंसो का टर्न है 14.03% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 62% का टर्न बना के दे चुका है भाई। वन मंथ में देख लो, वन मंथ में -2.60% है, सेंसो का टर्न है 4.79% है। वन वीक में देख लो, वन वीक में 4.43% आने, सेंसो का डाने 1.37% आने। वन डे में देख लो भाई, वन डे में 2.37% आने, सेंसो का डाने 0.27% आने।
तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई लाइफ को जगह दो, क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी का जो ऑनर है वो एसबीआई बैंक है भाई, कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, खरीद के भूल जाइए। ये कंपनी एनुअली आपको आराम से 50, 60, 70% रिटर्न बना के दे सकता है, तो खरीदिए, क्वालिटी कंपनी है। इसी टाइप की कंपनी में आप पैसा लगा के आने वाले 20-30 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो। एसबीआई लाइफ का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 62.80% होल्डिंग है। एफआईएस के पास जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 23.72% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 5.80% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 1.13% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 6.55% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एसबीआई लाइफ का भाई प्लेज दिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 57.6% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एसबीआई लाइफ में 1.85% होल्डिंग है। वैल्यूएशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एसबीआई लाइफ का, तो भैया यहाँ पे वैल्यूएशन शो नहीं कर रहा है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो भाई आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ, क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी का जो भाई प्रमोटर है वो एसबीआई बैंक है, कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 1,030 रुपया, 52 वीक लो है 510 रुपया। एसबीआई लाइफ का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है। कुछ दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी हो जाएगा। आने वाले समय फ्रेंड इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी होगा, 2 लाख करोड़ का भी होगा, 3 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा कर रखिए, क्वालिटी कंपनी है भाई। एसबीआई लाइफ का पी जो है वो 79.34 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 75.91 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एसबीआई लाइफ का पी थोड़ा सा हाई है। बुक वैल्यू जो है एसबीआई लाइफ का वो 75.76 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 12.24 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड जो है एसबीआई लाइफ का वो 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 का है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है भाई। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है, तो आप लोग खरीदते रहिए। एक एक शेयर भी खरीदते रहेंगे ना तो आपका एक दिन बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो खरीदिए, जीरो डेट फ्री कंपनी है। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो में एसबीआई लाइफ का शेयर होना ही चाहिए। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करना। बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।